गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। इसने ही साधक माता बंधु छह ऋतुएं यथा समय जहां सदा विलास करती हैं, जिसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय शोभायमान है और दक्षिण में महासागर सदा लहराता रहता है, जहां हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, शिवी जैसे महादानी, श्री रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण जैसे योगीश्वर और भीष्म जैसे ब्रह्मचारी स्व स्व आदर्शमय उदात्त चरित्र से संपूर्ण संसार को शिक्षा प्रदान करते रहते हैं, जहां ऋषि मुनि योगी यति साधु सन्यासी और ब्रह्मज्ञानी अपनी साधना उपासना और तपस्या से उपलब्ध दिव्य ज्ञान के आलोक से मनुष्य मात्र के अंधकाराच्छन्न हृदय को आलोकित करते रहते हैं तथा अक्षय शांति और अखंड आनंद प्रदान करते हुए जीव मात्र के कल्याण साधन में निरत रहते हैं। ऐसे गौरवमयी राष्ट्र परम पावन आर्यावर्त पुण्य वसुधा भारत वर्ष के एक लघुतर आदर्श ग्राम में एक सत्वगुण बालक का जन्म हुआ, जिसके जननी जनक वंश और पूरा ग्राम भगवत भक्त था। यह एक अद्भुत एवं अनुपम ग्राम था। इसका वर्णन ज्ञान विज्ञान के अनेक रहस्यों को खोलने वाला है, जिसे हम अन्यत्र श्रवण करेंगे। इस ग्राम में सायंकाल से देर रात्रि तक प्राचीन इतिहासों, पुराणों, रामायण, गीता, भागवत आदि धर्म ग्रंथों का ऋतु अनुसार सदा वाचन और कथोपकथन होता रहता था। इसी कारण वह ग्राम धार्मिक, भगवत भक्त और आदर्श था। इसी सात्विक परिवेश ने उस बालक को ऐसा गढ़ा कि वह महामनीषियों, संत महापुरुषों और योगी यतियों की आंखों का तारा बन गया, जिसके गृह त्याग की कथा भी बड़ी रोचक है। वाराणसी ज्ञान की नगरी और भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी है। यहीं पुण्य सलीला भागीरथी गंगा के पावन तट पर सप्तर्षि आश्रम में अल्पवयस्क इस बालक की श्री वैष्णव संप्रदाय में विरक्त दीक्षा हुई और विरक्त साधुओं की वेशभूषा व उपाधि से विभूषित होकर यही बालक महात्यागी रघुनाथ दास श्री वैष्णव योगपट्ट से साधु समूह में विख्यात हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अति कोमल बाल बदन होने पर भी गुरुदेव ने कठिन व उग्र शरीर पीड़न तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे गुरुदेव का शरीर क्रश व जर्जर हो गया। भारतीय ऋषियों का ज्ञान विज्ञान संस्कृत वांग्मय में भरा हुआ है। संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने पर इनसे वंचित ही रहना पड़ेगा, यह निर्धारण करके गुरुदेव संस्कृत भाषा और वेद विधंग का अभ्यास करने में प्रवृत्त हुए। सोहम बाबा और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के गुरुदेव महामहोपाध्याय पंडित राजगोपाल शास्त्री, दर्शन केशरी पंडित सभाध्यक्ष, प्राच्य एवं आर्ष व्याकरण के गुरु हुए। प्राचीन विद्याओं की गुरु परंपरा से रक्षा करने वाले ऋषितुल्य वाराणसी गुरुजनों ने बड़े स्नेह से गुरुदेव को नाना विद्याओं का दान किया।
अभ्यस्त विद्याओं का क्रियात्मक अभ्यास और जीवन का चरम लक्ष्य ब्रह्म लाभ की सिद्धि के लिए गुरुदेव को योगनिष्ठ महागुरुओं के अन्वेषण में भारत भ्रमण का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। प्रभु की अहेतु की कृपा बरस पड़ी, महायोगियों ने अपना लिया और आध्यात्म पथ में प्रस्थान करने का कौशल प्रदान कर दिया। बोल महायोगी गुरुदेव भगवान की जय। रानीखेत हिमालय से महासिद्ध एवं अमर योगी स्वनाम धन्य युग पुरुष श्री श्री महावतार पाद बाबा जी महाराज से जिस अमर सनातन महाविद्या को श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने प्राप्त कर जगत कल्याणार्थ प्रचार प्रसार किया, उसी अमर सनातन महाविद्या को गुरु परंपरा से प्राप्त करने का सौभाग्य भी गुरुदेव को प्राप्त हुआ, जिसके अभ्यास के अनंतर योग में गति देखकर संतों ने गुरुदेव को अवधूत पद से विभूषित किया। सदा आत्मिक आनंद में निमग्न हुआ जानकर गुरुदेव को स्वामी रघुनाथानंद अवधूत कहा गया। कालांतर में गुरुदेव को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आचार्य एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान महान क्रियायोगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज की जय। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर न कोई तत्व है, न कोई तप और न ही ब्रह्म ज्ञान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है।